शुरू हुआ है। आज तक इस रोड पे करोड़ों रुपया इस रोड का रिलीज हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम इसका नहीं हुआ है। हमें अफसोस के साथ ये बात आज कहनी पड़ रही है। 2021 में जब इस रोड पे काम हुआ जिसका टेंडर था 72 लाख रुपए का, 72 लाख में से जो इस हमारा महकमे R&B ने यहाँ पे काम करवाया है उस पे ग्राउंड वर्क पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 5 लाख रुपए भी इन पे खर्च किया है। मुख्तार साहब से हमने जब रब्ता किया तो जय साहब कहने लगे 19 तारीख तक आप मुझे मोहलत दो, 19 तारीख 20 तारीख पर आपके पास मशीन आएगी, उस रोड को हम थ्रू और हम साफ करेंगे ताकि जो पीर मत्तू साहब सेड़ी ख्वाजा में जो पीर मत्तू साहब एक बुजुर्ग महान शख्सियत हैं उनके आस्थाने में जो दिन में सैकड़ों लोग वहां पे जाते हैं उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, आप हमें मोहलत दे दें। लेकिन 19 से लेकर आज तक 25 तारीख तक कोई जय साहब ने ना हमारा फोन उठाया ना महकमे ने हमारे इसके बारे में कोई सपोर्ट की है। हम आपके माध्यम से खसूसन डिप्टी कमिश्नर पुंछ एक अच्छे इंसान हैं और इसी के साथ में LG इंतजामिया से भी आज हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जितनी करप्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ खसूसन सेड़ी ख्वाजा के अंदर सेड़ी ख्वाजा और बनी रोड जो जा रही है, करोड़ों रुपया जो महकमा R&B कमीशन यहाँ पे निकाल कर खा गए, ग्राउंड वर्क पे यहाँ अगर 75 लाख या 60 लाख का जो टेंडर होता है उस पे ग्राउंड वर्क पे 10 लाख के 5 लाख का काम होता है, महकमा कमीशन खा के उसका पैसा रिलीज कर देता है, ग्राउंड वर्क पे कोई काम नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से खसूसन डिप्टी कमिश्नर पुंछ और LG इंतजामिया से आज हम उनको ये बाखबर करने जा रहे हैं। आज की जो हमारी ये परेशानी है ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी हमारे लिए है। अगर हम किसी भी पेशेंट को यहाँ से ये 4 किलोमीटर जो यहाँ से पीर मत्तू साहब से लेकर CR रोड टू मैदाना है तो जब हम फतेहपुर में पहुँचते वो हमारे मरीज रास्ते में डेड हो जो एक्सपायर हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। हमने खसूसन यहाँ पर जो हमारे BDC चेयरमैन हैं उनसे जफर साहब से हमने बारहा कहा और जो हमारी मैडम डिस्ट्रिक्ट ये चेयरपर्सन हैं उनसे भी हमने ये रब्ता कायम किया है और मैडम रुखसाना से भी हमने बारहा ये रब्ता कायम किया है कि आप खुदारा हमारी इस रोड पे रहम करो, इन गरीब लोगों के हाल पे रहम करो, ये हमारे मकान खिसक रहे हैं, हमारी ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं। तो कोई ना हमारे DDC BDC किसी ने हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दी है, इसलिए कि हमें ये लगता है इसके सारे के सारे इस घोटाले के अंदर मुलविस हैं जो इस बात की कोई कार्रवाई महकमा खसूस नहीं करना चाहता और ख़ासकर महकमा R&B सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ करप्शन है उसका जिम्मेदार R&B महकमा है। करप्शन को बंद करो, करप्शन को बंद करो, बंद करो, करप्शन को बंद करो, बंद करो, जिला इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, जिला इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, जिला इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ। से 2-3 किलोमीटर सफर करके उनको जाके वहां पे पहुंचना पड़ता है मजार पे, हालांकि यहाँ से 10 मिनट का सफर है, मगर हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिला इंतजामिया इस रोड को लेके सीरियस नहीं है। इसकी मेन जो वजह है यहाँ का जो तबका है सब मजदूर पेशा और मिस्त्री पेशा लोग हैं, इनकी इतनी अप्रोचेबल लोग नहीं है कि जो, और खुसूसन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे जो यहाँ के इस टाइम प्रेजेंट जो सियासतदान है हमारे, चाहे हमारी मैडम DDC साहिबा हैं, उनने आज तक इस गांव में विजिट नहीं किया, इस लोगों की इन परेशानियों को नहीं देखा, उनको यहाँ पे आना चाहिए, इन लोगों ने उनको अहतमाद दिया है, उनको कुछ टाइम बाद फिर इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, मगर आज उनको यहाँ पे आना चाहिए। फ्लड से लोगों का नुकसान हुआ है, मगर इस टाइम मैन जो हमारा माटी हमारा मुद्दा है हमारी सड़क का है, हम जिला इंतजामिया से एक ही जाम पैसा अगर जिला इंतजामिया दे रही है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो JEE हजरात हैं, AE हजरात जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो अफिसरान हैं वो अगर इस करप्शन में मुलविस है प्लीज़ इनके ऊपर कोई नकेल कसी जाए और इस रोड को हमारे लिए आसानी का बायस बनाया जाए, मरीज़ हैं कोई गमी खुशी का माहौल होता है। आपका नाम? जी मेरा नाम मुश्ताक कुरैशी है। आज जो हम सब ये गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैन जो हमारा इशू है हमारी रोड जो इसका, जैसे मौलवी साहब ने सिलन बता दिया कि 2008 में इसका वर्क हुआ और मुसलसल 14 साल हो गए इस रोड में, स्टार्टिंग में तो कुछ पैसे की दिक्कत रही मगर आज जब से LG मनोज सिन्हा साहब ने ये इकतदार यहाँ पे संभाला है काफ़ी फंडिंग आ रही है, बहुत पैसा आ रहा है, मगर हम लोगों का जो मुद्दा आज यहाँ पे जमा होने का ये है, पैसा एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है मगर यहाँ पे पैसा ग्राउंड सतह पे यहाँ पे इस टाइम नहीं है, काम नहीं हो रहा। आपको भी आपने देखा भी होगा रोड के जो शार्ट आप देखे होंगे उसमें आपने देख लिया कि ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है ये जो रोड है आप इसमें देखोगे यहाँ पे हजारों लोगों का फुटफॉल है, यहाँ पे हमारे ऊपर सैयद अत्तर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मज़ार है जिनके अकीदतमंद मैंडर से रजौरी से, हालांकि जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पे आते हैं, लोग मैंडर से आते हैं, उनको अफसोसन मंडी से 2-3 किलोमीटर सफर करके